हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ मीवी के रोम ब्लूटूथ स्पीकर की, जो कि आता है 5 वॉट आउटपुट के साथ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले चलते हैं बॉक्स ओवरव्यू की तरफ। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाता है मीवी, और इसके बाद आप लोगों को स्मॉल साइज बिग साउंड देखने को मिलता है, यानी कि इसमें कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से इन्होंने इसको लिखा है। नीचे आप लोगों को मिलता है ब्लूटूथ 5 वॉट, और लेफ्ट राइट और साइड में आप लोगों को मीवी रोम लिखा हुआ मिल जाता है। अभी मैं बात करूं यहाँ पे आप लोगों के इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ डिटेल्स मिल जाती हैं जो कि पीछे की तरफ लिखी गई हैं। तो यहाँ पे पीछे की तरफ सबसे पहले आता है लिखा हुआ जो है क्रिस्टल क्लियर साउंड, यानी कि आवाज़ आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली है, बिल्कुल क्लियर मिलने वाली है। इसके बाद आता है प्ले इट ऑन एंड ऑन। तो यहाँ पे आप लोगों को 6 घंटे का इन्होंने बैटरी बैकअप टाइम दिया हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है प्रीमियम बिल्ड। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इन्होंने, और ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस प्राइस रेंज में आपको कुछ इस तरीके का ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाता है। इसके बाद आता है वाटर प्रूफ, तो जो कि IP67 वाटर रेजिस्टेंस है, यानी कि आप लोग इस पर पानी वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन ट्रूली नहीं है वाटर प्रूफ। इसके बाद आता है ट्रू वायरलेस स्टूडियो, यानी कि आप अगर दो सेम मीवी का आप स्पीकर अगर कनेक्ट करेंगे एक साथ, तो आपको और अच्छी आवाज़ मिल जाएगी। पोर्टेबल है, इजी टू कैरी है, और आप इसको आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, बहुत कम जगह लेता है ये। यहाँ पे आप लोगों को 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, और कुछ कंपनी के डिटेल्स, और यहाँ पे आप लोगों को जो प्राइसिंग दी गई है वो दी गई है 3000 रुपीज़ में से 1 रुपये कम, यानी कि 2999। इसके बाद है mevi.in, यहाँ पे वेबसाइट बताएगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है जो कि मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इस पर कॉन्टैक्ट किया, तो अभी ये नंबर नहीं चल रहा, लेकिन आप इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगी जिससे आप कंपनी के लोगों से बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ एक और है कि मुझे ये प्रोडक्ट मिला तो उसकी सील कुछ इस तरीके की थी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सील जिसे कि लूजन है। तो मैंने मीवी ऑफिशियल से बात की, तो उन्होंने बताया कि ये आपका जो सील यूज़ करते हैं ये पेपर क्वालिटी का है, तो इसमें कभी कभी इसका ग्लू कम हो जाता है, तो आप लोगों को कोई भी फिक्र करने की बात नहीं है इसमें कि ये आप लोगों को ओपन मिला है या फिर ये आपको रिफर्बिश मिल रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं बॉक्स के अंदर की तरफ। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके का स्पीकर मिल जाता है। मैंने यहाँ पे ग्रे कलर का ऑर्डर किया, तो आप लोग ब्लैक और ग्रे में से जो आपको पसंद है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे की तरफ चलें बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है कुछ इस तरीके की पैकेजिंग, और साथ में आप लोगों को मिलता है एक ऑक्स केबल और एक माइक्रो यूएसबी केबल जिससे कि आप इस स्पीकर को चार्ज कर सकते हैं। साथ ही में आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को यूज़र मैनुअल मिल जाता है। तो अगर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये स्पीकर ले रहे हैं, इससे पहले आप लोगों ने नहीं यूज़ किया ब्लूटूथ स्पीकर, तो आप लोग इसको ज़रूर यूज़ कर लीजिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ब्लूटूथ स्पीकर कैसे काम करता है और इस पर आप कैसे कैसे कमांड दे सकते हैं। और बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, और आगे और पीछे के साइड में, जो कि बहुत यूज़फुल है मुझे मेरे हिसाब से। टेक्निकल पैरामीटर्स भी दिए गए हैं यहाँ पे कि क्या क्या यूज़ हुआ है, और यहाँ पे कुछ FAQ भी दिए गए हैं अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है। अब यहाँ आगे बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को एक पतली सी पॉलीथीन में मिल जाता है ये प्रोडक्ट। आप लोगों को एक बिल्कुल अच्छी सी केबल प्रोवाइड कराएगी है इस स्पीकर के लिए। मैंने यहाँ पे ऑक्स केबल को भी देखा है, बहुत अच्छे से इन्होंने इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की है, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने इस केबल को बनाया है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे आपको केबल में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलता, यानी कि प्रोडक्ट पैसा वसूल है बिल्कुल। आप लोग इसको बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ ये प्रोडक्ट मिलता है, तो आप लोगों को कोई भी घबराने की बात नहीं है कि ये प्रोडक्ट आते आते आप तक डैमेज हो जाएगा या फिर कुछ और भी। अब बात करते हैं स्पीकर्स के ओवरव्यू की। तो यहाँ पे मैं पहले बताऊँ, यहाँ पे आप लोगों को जो ऊपर आप लोगों को मीवी लिखा हुआ मिल जाता है, साथ में आप लोगों को फैब्रिक वाली डिज़ाइन मिलती है, और इसका जो फैब्रिक यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छा फैब्रिक यूज़ किया गया है, जिसमें आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मीन्स आप इसको कहीं भी अगर आप कहीं पे स्किन वगैरह से भी आपके टच होता है इसका फ्रंट, तो आप लोगों को कभी भी कोई इचिंग या फिर कोई भी आप लोगों को इन्फेक्शन कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे बात करूँ ऊपर के साइड में, तो यहाँ पे आप लोगों को एक रिस्ट बैंड मिल जाता है, जिसकी वजह से आप इसको ईजिली हैंग कर सकते हैं कहीं भी, और इसकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी दी गई है, और ये जल्दी से ख़राब नहीं होने वाला। और यहाँ पे बात करूँ नीचे की साइड में, तो यहाँ पे आप लोगों को मीवी ब्लूटूथ रोम स्पीकर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को इसकी डिटेलिंग मिल जाएगी, कितने की बैटरी MAH है, बैटरी कैपेसिटी 800 MAH है, और आप लोगों को चार्ज करना है 5 वोल्ट 1 एम्पियर पे।
और यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशन दिए गए हैं, और नीचे के साइड में आप लोग को मिल जाता है रबर ग्रिप, जिससे कि आप इसको किसी भी सरफेस पे रखेंगे तो ये इजीली जल्दी से इधर उधर नहीं होगा ना, फिर ये वाइब्रेट करके इधर उधर जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस आप प्रोडक्ट में आप लोग को ये भी मिल जाता है। साथ में बात करें तो यहाँ पर आप लोग को बटन्स में पावर बटन, प्लस माइनस और प्ले पॉज का बटन मिल जाता है, जिसके अलग अलग यूज़ हैं, और आप लोग इसका यूज़ देखना चाहते हैं तो यूज़र मैनुअल प्रेफर करिए। यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे आप लोगों को एक माइक होल मिल जाता है, उसके बाद आप लोगों को एक पूरा लीड मिल जाता है जिसके अंदर आप लोगों को मिलता है ऑक्स केबल और माइक्रो यूएसबी केबल। चलिए इसको भी ओपन करके देख लेते हैं जिसके अंदर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। साथ ही में आप लोगों को यहाँ पे एक रीसेट बटन भी मिलती है जिसका मैं आप लोगों को यूज़ बताने वाला हूँ अभी। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से सिम इजेक्टर टूल जो आप लोगों के फ़ोन के साथ आता है, आप उसको यूज़ करके इसको रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो आप लोगों को स्पेस मिलता है इसमें इंसर्ट करना और देर तक दबा के रखना है, जिसके बाद ये आप लोगों का ब्लूटूथ स्पीकर रीसेट हो जाएगा। बात करूँ आगे तो यहाँ पे आप लोगों को चार्जिंग करने के लिए यूएसबी पोर्ट दिया गया है, और ऑक्स केबल कनेक्ट करके आप किसी भी चीज़ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही में आप लोगों को यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है। अब बात करें इसके नाम की तो यहाँ पे जो इसको नाम दिया गया है वो दिया गया है रोम, यानी कि ये इतना पोर्टेबल है कि आप इसको कहीं भी इजीली लेके जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में बहुत आसानी से आ जा रहा है, मेरी हथेली में ये, तो आप इसको कहीं पे भी रखेंगे, ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा, और इसको आप अच्छी आवाज़ के लिए कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। अब बात करें इसके कनेक्शन की तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना है, इसके बाद आप लोग को यहाँ पावर बटन दबानी है। पावर बटन आप लोगों को 3 से 5 सेकंड तक दबानी है तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन साउंड मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप जान जाएंगे कि आपका ब्लूटूथ स्पीकर जो है वो ऑन हो चुका है। और इसके बाद आप लोगों को अपना जो ब्लूटूथ है फ़ोन में उसको रिफ़्रेश करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को इस जब मीवी का रोम है वो अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपका ब्लूटूथ स्पीकर पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा कुछ साउंड आउटपुट। तो जैसा कि आप लोगों को सुना, मैंने इसको ज़्यादा देर तक नहीं चलाया, मैं बस आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहता हूं, और ये आप लोगों को डायरेक्टली आवाज़ मिली है इस स्पीकर के थ्रू। अब मैं बात करता हूं अपने रिव्यू की, तो मुझे ये प्रोडक्ट इस प्राइस रेंज में बहुत ज़बरदस्त लगा है। मैंने अभी तक जितने भी ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ किए हैं मुझे इसकी आवाज़ सबसे अच्छी लगी है। यहाँ पे आप लोगों को जो फैब्रिक मिलता है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और यहाँ पे मीवी ने मुझे एक कूपन कोड भी प्रोवाइड किया है जिसपे आप लोगों को 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करूँ सबसे पहले ऊपर की फैब्रिक की, तो इसका जो मटेरियल यूज़ किया है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जिसकी वजह से मैं इसको बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को बोलूँगा कि आप इसको ले लीजिए बिल्कुल, अगर आप लोगों को एक पोर्टेबल स्पीकर लेना है तो। यहाँ पे आप लोगों को जो मिलता है हैंग करने के लिए उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है, तो यहाँ पे क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है मीवी से, और मुझे एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे से वो सील को भी थोड़ा सा अपग्रेड कर देंगे। और इसके बाद बात करूँ आप लोगों से तो यहाँ पे जब आप इसको नीचे रखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो रबर ग्रिप मिल जाती है जिसकी मदद से ये आप लोगों का वाइब्रेट नहीं होता है, और एक ही जगह पे पड़ा होता है जब भी आप इसको यूज़ करते हैं तो। और यहाँ पे अभी बात करूँ तो यहाँ पे ये IP67 रेटिंग के साथ आता है, तो आप लोग इसको पूल और स्विमिंग पूल या बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसको देना चाहूँगा TechRender की 9 रेटिंग, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने अभी तक जितना भी यूज़ किया हुआ है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, और ख़रीदने की कूपन कोड भी नीचे है। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। TechRender साइनिंग ऑफ़।